सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय के पूर्वी जैंटिया हिल जिले में कोक संयंत्रों के विध्वंस पर स्थगन आदेश जारी किया है। ये निर्णय द्रुक फ्यूल्स लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद आया, जिसमें पूर्वी जैंटिया हिल जिले की उप आयुक्त द्वारा जारी विध्वंस आदेश से राहत की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने आदेश में विशेष रूप से कहा है, पूर्वी जैंटिया हिल जिले की उप आयुक्त के निर्देशों के अनुसार कोक संयंत्रों का विध्वंस निश्चित रहेगा। हालांकि उप आयुक्त उन कोक संयंत्रों की परिसर को सील करने के लिए स्वतंत्र होगी जो परिचालन में नहीं है। याचिकाकर्ता ड्यूक फ्यूल्स लिमिटेड इलाका सुतिंगा के अंतर्गत मुखिमपत गांव में स्थित है और इसके मालिक युधिष्ठर बामा, गौरव बामा, ऋषि प्रसाद अग्रवाल और श्रेयन गोयल के पास है। दिसंबर 2022 में जारी मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पूर्वी जैंटिया हिल्स में अवैध कोक संयंत्रों की चिमनियों को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा था।